धाम में हो रहे चमत्कार, बुंदेलखंड ट्रिपल टीम को आखन देखो हाल। बुंदेलखंड की धरती पे वर्तमान में अनेक दिव्य दरबार संचालित हो रहे हैं। एक क्रम में छतरपुर जिला में भी कई दरबार संचालित हो रहे हैं और आप छतरपुर के पड़ोसी जिला टीकमगढ़ में भी एक दरबार शुरू हुआ है। सर्वेश्वर धाम के नाम से प्रख्यात हो रहे इस दिव्य दरबार में सर्वेश्वर धाम के पीठाधीश्वर सागर जी महाराज के द्वारा लोगन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के निदान की बात कही जात है। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोगन का ठीक करवे और उनकी समस्याओं को निराकरण करवे के लाने प्रत्येक मंगलवार और शनिवार का दिव्य दरबार लगाओ जा रहा है, जिसके कारण इतने लोगन की खासी भीड़ भी आन लगी है और दिव्य दरबार को आखन देखो हाल बुंदेलखंड ट्रिपल की टीम ने देखो और इतने के इतिहास और अर्जी प्रक्रिया के बारे में भी जानो है। आओ आपको सुनाते हैं कि कायते की महत्ता है और कैसे इतने अर्जी लगाई जाते है। मैं तो यूं अनेकों दिव्य दरबारों की श्रृंखला चलती है और लोगों की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के निदान का दावा किया जाता है। बुंदेलखंड में वर्तमान में ऐसे दर्जनों दरबार प्रचलित हैं जहां लोगों की समस्याओं के निदान का दावा किया जाता है। ऐसा ही एक दिव्य दरबार छतरपुर जिले से लगे हुए टीकमगढ़ जिले के मंजना गाँव में प्रारंभ हुआ है, जहाँ पर हाथीबान महाराज एवं हनुमान जी एवं बालाजी की सर कृपा से यहाँ पर लोगों की दैविक दैहिक और भौतिक समस्याओं का निदान की बात कही जाती है। हमारे साथ इस दरबार के पीठाधीश्वर सागर जी महाराज मौजूद हैं, जो इन समस्याओं के निदान की बात कहते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का ये दरबार है और जो बुंदेलखंड में दिव्य दरबार लगातार चल रहे हैं उनके बारे में क्या है। ये महाराज जी, क्या किस प्रकार से यहाँ दिव्य दरबार प्रारंभ हुआ? बोलिए, सर्वेश्वर धाम की जय, हाथीबान सरकार की जय, प्रेतराज सरकार की जय, दादा गुरु की जय। यहाँ का दरबार ऐसा दरबार है जो विश्व में अद्वितीय है। यहाँ हमारे श्री हाथीबान सरकार ने 300 वर्ष पहले तपस्या की हुई थी और उन्हीं की कृपा से यहाँ पर बालाजी साक्षात प्रकट हुए हैं। स्वयंभू यहाँ बालाजी विराजमान हैं और अंजनी मैया बालाजी को गोद में लिए हुए हैं और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि यहाँ कोई भी रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। पहले हाथीबान की कृपा हमारे दादाजी पर हुई थी और दादाजी ने यहाँ पर विगत 40 वर्ष तक यहाँ दरबार लगाया हुआ है। अब वही प्रेरणा हमारे ऊपर हुई है और पिताजी लोगों ने दरबार का काम नहीं किया है। जी, कैसे लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं और किन किन प्रकार की समस्याओं का निदान होता है? यहाँ दैहिक दैविक भौतिक तीनों समस्याओं का समाधान होता है। सबसे पहले यहाँ अर्जी लगानी पड़ती है। वहाँ मंदिर है, वहाँ पर प्रेतराज सरकार के पास आप जैसे आपकी समस्या हो, लाल कपड़े में आपकी कोई भी ऐसी समस्या हो और यदि भूत प्रेत की समस्या हो तो आपको काले कपड़े में अर्जी लगानी पड़ेगी। बाद में हनुमान जी का यहाँ हाथीबान का आदेश आ जाएगा, आपके घर सेना पहुँच जाएगी, आपका सारा कार्य होने लगेगा। ये बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार से लोगों की दैहिक दैविक जो भौतिक समस्याएं होती हैं उनके निदान को लेकर यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है और अर्जी के बाद यहाँ से प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। महाराज जी, ये प्रक्रियाएं कितने दिन की होती हैं और किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का कितने दिनों में निदान होता है? यहाँ समस्या का निदान तो एक ही मंगलवार में हो जाता है, लेकिन अपन को यहाँ आके पेशी लगानी पड़ती है। बालाजी की यहाँ कम से कम 21 पेशी करनी पड़ती है और प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का निषेध किया जाता है। ये बालाजी के नाम से दिव्य दरबार यहाँ पर संचालित है और यहाँ पर लोगों की दैहिक दैविक और जो भौतिक समस्याएं हैं उनका निदान किया जाता है। हम और भी आगे की प्रक्रियाएं जानेंगे और महाराज जी के साथ आज हम पूरा दिन बिताने वाले हैं। ये इस दरबार के बारे में पूरी प्रक्रियाएं जानेंगे, क्या प्रक्रियाएं हैं और किस प्रकार से लोगों की समस्याओं का निदान होता है। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता प्रिंस भरभुजा की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरें जानबे के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।